माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमरसर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। वेलकम। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स IBPS क्लर्क मेन 2018-19 के मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। डिफरेंट चैप्टर्स के ये क्वेश्चंस निश्चित तौर पर 15 आएंगे और इनका बड़ा महत्व होगा आपके सक्सेस में। जो समय बचा है उसमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो और प्लेलिस्ट को देखिए। आइए इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेस्ट मेथड से। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं 5th नंबर क्वेश्चन से शुरू करता हूं ताकि आपको स्पेस भी नजर आए, बड़ा लिखा जा सके। तो ये एक तरह से सीरीज का सवाल भी है और एवरेज का सवाल भी है। पढ़ता हूं। द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स ऑफ ए सेट ए इज 220। व्हाट इज द सम ऑफ ए डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हूज सेकेंड लोएस्ट टर्म, लोएस्ट नंबर इज 37, लेस देन डबल द लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए। तो ये जो डिफरेंट सेट बी है, दरअसल डिफरेंट सेट बी, तो एवरेज का जबरदस्त इस्तेमाल है। बनाने के लिए तो एक्स वाई मान के बहुत बनाए। 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, मिडिल वाले को एवरेज कहेंगे, एवरेज होगा सम है 220 तो एवरेज होगा 44, एवरेज होगा 44, यानी 44 जो है वो एवरेज है, ये एवरेज है। तो ये 42 है, ये 40 है, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है इसलिए मैं लिखता हूं। ये 48 है। इन सब का क्या काम, क्योंकि आगे जो कहा गया ये सेट ए था ना, ये कंजुगेटिव नंबर्स थे और ये सेट बी है वो कंजुगेटिव इवन नंबर्स थे, ये कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 5। उनका रिलेशन क्या है, हूज सेकंड नंबर इज, हूज सेकंड नंबर इज 37 लेस देन डबल। मैं बताता हूं, सेट बी जो है ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। तो हुज सेकंड नंबर इज 37 लेस देन डबल द लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए, 40 का डबल 80, यानी 40 का डबल 80 से 37 कम, तो क्या ये 43 ना हुआ। हमसे क्या पूछा है, इनका सम बताइए। सम अगर एवरेज मालूम हो, दैट इज एवरेज, एवरेज यानी 44, क्योंकि ये कंजुगेटिव है। 42 लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं। तो 44, ये एवरेज 44 है, तो सम क्या होगा, सम क्या होगा, सम क्या होगा, सम होगा 44 इंटू 5 यानी 220, यानी 220, यानी नन ऑफ दी ई आंसर, नन ऑफ दीज। बोली कितना शानदार क्वेश्चन था, रियल में आपने एंजॉय किया होगा। इसके बाद आइए आगे बढ़ता हूं। अगला जो सवाल है 4th नंबर पहले करते, देखिए 4th नंबर मेंसुरेशन से है,
The area of a square is 1024 centimeters square. What is the respective ratio between the length and the breadth of a certain of a rectangle whose length is twice the side of the square and breadth is 12 centimeters less than the side of the square? Yani fourth number question ka jahan tak sawal hai, ye jo square hai, इसका एरिया दिया हुआ है. एरिया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर. साइड क्या होगा? स्क्वायर रूट. 1024 किसी का स्क्वायर होता है, बड़ा फेमस नंबर है. 1024 केबी का 1 एमबी होता है, एमबी का 1 जीबी होता है. ये 32 का स्क्वायर होता है, ये 32 का स्क्वायर है. इसका मतलब इसका जो साइड है वो 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है. हमको उस रेक्टेंगल का क्या निकालना है? लेंथ ब्रेथ का रेशियो, ये एल और बी का रेशियो, और बी का रेशियो. क्वेश्चन कहता है कि breadth of the rectangle whose length is, अच्छा ठीक है, respectively this, whose length is twice the side of the square, yani 2 into 32, और breadth is 12 centimeter less, तो 32 minus 12, यही है ना, that means 20, है ना. दीजिए, हमसे L is to B पूछा है, हम क्यों multiply करें, ऐसे ही क्यों न रहने दें. 16:5, यानी none of these, ये none of these से अलर्ट रहिए, और एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. None of these answer, 16:5, none of these. बोलिए, समझ में आया? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर. हाँ, इसका आंसर तो ये था ना. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, बात करते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगेन ट्रिग्नोमेट्री बोल लीजिए, उसी से संबंधित है. द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:4:7:5. तो हम सारे एंगल्स बता सकते हैं क्योंकि सम तो 360 डिग्री होता है, तो उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे. ओके, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. अच्छा, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल. What is the second largest angle of the triangle? Question क्या कहता है कि जो quadrilateral है उसको divide कीजिए. तो एक angle 2 है, तो दूसरा 4 है, तो third 7 है, तो fourth 5 है, तो total देखिए तो 18 है. Total 18 है. 18 is equivalent to 360 degree. तो into 20 हुआ कि नहीं, तो हर किसी को निकाल सकते, पर जरूरत क्या है? स्मॉलेस्ट को निकालते हैं. हाउ मच? तो into 20 यानी कि 40 डिग्री. स्मॉलेस्ट 40 डिग्री निकला. तो उस ट्रायंगल में जो बात हो रही है उसमें कुछ ऐसी बात हो रही है कि जो उसका जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो वही है, यानी 40 डिग्री. और वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल. कोई एक है जिसका डबल है, यानी 80 है. तो थर्ड वाला क्या हुआ? 180 माइनस 80 प्लस 40 हुआ कि नहीं? 120 यानी 60 डिग्री. तो थर्ड वाला 60 डिग्री हुआ. पूछा क्या है?
व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो इस थ्री में सेकंड लार्जेस्ट कौन हुआ, 60 ना, देयरफॉर 60 डिग्री आंसर, यानी बी आंसर, ठीक है। इसके बाद आइए 60 डिग्री बी आंसर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ट्रेन ए क्रॉसेस इज स्टेशनरी ट्रेन बी इन 50 सेकेंड्स। रुकिए, आगे बढ़ने के पहले, एक ट्रेन यदि दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो इसका मतलब दोनों के सम के बराबर लेंथ तय करती है और स्टेशनरी ट्रेन है। बिना आगे बढ़े हुए हम एक बात साफ साफ समझ सकते हैं कि अगर ट्रेन ये ए है ये बी है तो ये पूरा डिस्टेंस तय करने में 50 सेकेंड्स लगते हैं, ये इसका मायने है। एंड ए पोल इन 20 सेकेंड्स, और अगर पोल को 20 सेकेंड्स में पार करती है विद द सेम स्पीड तो इसका मतलब अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है, तो लेंथ जो है वो 20 सेम हुआ, तो इसका मतलब बाकी 30 सेम हुआ ना, 30 सेकेंड हुआ ना, फर्स्ट 20 सेकेंड हुआ तो सेकेंड 30 सेकेंड हुआ ना, ये वाला चल तो ट्रेन ही रही है, दूसरा कांस्टेंट है, चाहे वो पोल हो चाहे वो दूसरी ट्रेन हो, इसका मतलब स्पीड तो एक ही है, स्पीड सेम होता है, तो जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, क्या ये 2:3 ना है? अगर ट्रेन ए की लंबाई 2 मीटर है तो ट्रेन बी की 3 ना है, यही टाइम हुआ, यही डिस्टेंस भी हुआ, लिख देता हूं, यही टाइम हुआ यही डिस्टेंस भी हुआ, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है और दिया है कि ट्रेन ए यानी 2 मीन्स 240 मीटर, तो 3 मीन्स हाउ मच, आप देख रहे हैं, इंटू 120 तो ये भी होगा इंटू 120 यानी कि 360 मीटर, आंसर ए इज आंसर, वही समझ में आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। क्या है थर्ड नंबर, 12% ऑफ कौशल्स मंथली सैलरी इज इक्वल टू 16% ऑफ नंदनीज मंथली सैलरी, सुरेश मंथली सैलरी इज हाफ दैट ऑफ नंदनीज मंथली सैलरी, इफ सुरेश एनुअल सैलरी इज ₹1.08 लाख Then what is Kausal's monthly salary? आप थोड़ा गौर कीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं, बता दूंगा कैसे, कि ये कौशल है, दूसरा नंदिनी है, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, और तीसरे जो हैं वो सुरेश हैं। कौशल का 12% बराबर है 16% नंदनी के, तो ये चेंज हो जाएगा ना 12, और ये दिया है कि सुरेश का जो मंथली सैलरी है वो हाफ है नंदनी का, तो क्या ये 1.5 ना हो गया, माने 1 है तो 0.5, 3 है तो 1.5 ना हो गया, अच्छा नहीं लगता, डबल कर देते हैं पूरे सिस्टम को, तो 8:6:3 ना हो गया, बता दूंगा फिर से एक बार, सुरेश का एनुअल सैलरी 1.08 लाख, मतलब 108 लाख, ये एनुअल है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये इंटू 9000 ना हो गया,
इंटू 3000 ना हो गया, 9 आया ना, 3 का 1 मीन्स 3000 में, चूंकि ये लैक्स था ना. वट इज कॉसल्स मंथली सैलरी, तो 8 मीन्स हाउ मच, तो क्या इंटू 3000 करेंगे तो रुपीज 24000 ना होगा. बताता हूं कैसे डिटेल. 24000 डी आंसर. ऐसा है कि 12% मैंने क्या लिखा ऑफ कौशल इज इक्वल टू 16% ऑफ नंदिनी, तो कौशल बाय नंदिनी करेंगे तो 16/12 होगा कि नहीं. ये तो हमें समझ में आता ही है, इसलिए हम ऐसे क्यों ना लिखें 4:3 और इसका हाफ 1.5 डबल कर देते हैं, होल नंबर बन जाए. 24000 डी आंसर. जल्दी बोलिए समझ में आया कि नहीं. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा, स्पेशली क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और डेटा इंटरप्रिटेशन, इन पर मैं जोर देते हुए अगले 15 दिनों में काफी वीडियोज दूंगा. बस तैयार हो जाइए एग्जाम क्रैक करने के लिए. ऑल द बेस्ट.